हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि क्या बिना कोचिंग के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर पाना पॉसिबल है? आप चाहे फिर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि क्या बिना कोचिंग के, बिना किसी और के हेल्प के, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद से इतना तैयार कर पाओ कि आप कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओ। तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछले तकरीबन 5 सालों से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने एक ये छोटा सा प्लेटफॉर्म अपना डेवलप करने की कोशिश करी थी। सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, बट जितने आए बहुत बहुत बढ़िया बात है, जितने लोग जुड़ रहे हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या बिना कोचिंग के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा जा सकता है या नहीं। अगर मैं वन वर्ड में आंसर दूं तो डेफिनेटली यस, आप स्टडी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये सुनने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए होंगे, आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वी नो वी कैन कवर दिस सब्जेक्ट बाय सेल्फ स्टडी, बट हाउ, कैसे कर पाएंगे, राइट? देखो, हम पहले यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं और फिर लास्ट में हम यूपीएससी के बारे में भी बात करेंगे। दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मास्टर्स करी है, 2 साल अपने स्पेंड किए हैं, बट हमारी जो कॉलेज की प्रिपरेशन होती है, अनलेस आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पीजी करी हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तब तक चांसेस बहुत कम है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी रही है कि आप यूजीसी नेट जैसा एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाए। मेरे साथ भी यही हुआ था, ऑल दो आई वॉज गुड इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, बट जब मैंने यूजीसी नेट के लिए मैंने भी टाइम लिया, प्रिपेयर किया उसको, एंड देन आई वॉज एबल टू क्वालिफाई। तो आई नो कॉलेज में उतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाती कि आप इतने अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को बीट कर पाओ, एंड ट्रस्ट मी, जो यूजीसी क्वेश्चंस पूछती है उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहे कितनी तैयारी करके जाओ, फिर भी जो प्रोसेस होती है, 3 घंटे की प्रोसेस, वहाँ पे बैठना, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत बहुत अच्छा होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा यूजीसी नेट के साथ, तो लास्ट में ना 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में, 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, 5-5 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों की तरह खुद को काफ़ी अच्छा मानती थी कि पैराग्राफ में क्या ही दिक्कत आएगी, कॉम्प्रीहेंशन ही तो है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी होने वाला है। बट जब मैं एग्जाम हॉल में गई और मैंने देखा पैराग्राफ, तो मेरी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। कारण ये था कि 2-2.5 घंटे से आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, तो बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से फिर जो लेवल था कॉम्प्रिहेंशन का, इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम चैलेंज मिला, ऐसी वाली बात थी कि आप एक बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे हो, लिटरेचर इन द सेंस आप बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हो, इतना तो आपको न्यू होराइजन ऑफ मोहित भट्टाचार्य पढ़ के भी एक बार फील नहीं होगा, बट हाँ जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। इसीलिए मैं मानती हूँ कि उस लेवल से हमारी प्रिपरेशन जो है वो कॉलेज में नहीं होती है। तो क्या कोचिंग के बिना पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। देखो, फर्क नहीं पड़ता आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप किसके इन्फ्लुएंस में हो, कौन आपके आसपास है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू नीड राइट रिसोर्सेज, ठीक है, यू नीड राइट रिसोर्सेज टू क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट इज यूजीसी नेट और यूपीएससी। अब आप बोलोगे कि राइट रिसोर्सेज में तो कोचिंग्स भी आ सकती हैं। देखो, वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को एक कैसा इंसान कंसीडर करते हो। कोचिंग लेना या लेना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा इंसान मानते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और उसके बाद में सेल्फ स्टडी करने के बाद में आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, कैसे कम्पीट करोगे या कैसे अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप सेल्फ स्टडी में अच्छी हो या नहीं हो। देखो, हमारी जो एजुकेशन का लेवल होता है ना, जब तक हम स्कूल में होते हैं तब तक हमें एक स्पून फीडिंग वाली कोचिंग, हमें स्पून फीडिंग वाली एजुकेशन जो है वो दी जाती है। अप टू 12th हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हम जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम खुद सीखने लगते हैं, राइट? उसके बाद में जैसे हम पीजी की तरफ आते हैं तो हमारे अंदर एक जो एबिलिटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, सेल्फ स्टडी की, वो डेवलप होने लगती है। साथ ही साथ डेवलप होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो ये वीक पॉइंट है आपके एजुकेशन का, ये मान के चलिए। अगर आपके अंदर क्रिटिकल रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको अगर मैं बुक दे दूँ आप उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, उसमें से अच्छा कंटेंट आप नहीं निकाल पाते हो, तो फिर ये आपकी जो एजुकेशन रही है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। आपको वो एबिलिटी आपको सीखनी चाहिए। और मैं यहाँ आपको किसी को मतलब किसी चीज़ को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि आपने अगर मास्टर्स करी है तो आपके अंदर ये एबिलिटी, ग्रेजुएशन भी अगर आपने करी है तो डेफिनेटली ये एबिलिटी आपके अंदर
होनी ही चाहिए। बट क्या होता है ना, सिंस हमारी कॉलेज एजुकेशन उतनी अच्छी होती नहीं है, या फिर हम डिग्री जो है वो एक नाम की लेते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि हमारी वो जो हैबिट होती है क्रिटिकल रीडिंग की या एक टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझने की, वो डेवलप नहीं हो पाती है। हम कॉम्पिटिशन की तरफ इतना फोकस्ड होते हैं कि हम अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। कॉम्पिटिशन की तरफ फोकस होने की वजह से क्या होता है ना कि हम जस्ट चाहते हैं कोई हमें पढ़ा दे और उस टेक्स्ट को एज इट इज हम प्रोड्यूस करके आ जाएं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ एस्पिरेंट्स जो मेरे पास आते और कहते हैं कि हमें ऐसे नोट्स दे दो जिसको पढ़ के बस हम एग्जाम देखें और एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आप सोच सकते हो ऐसे, डेफिनेट हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमें भी ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसको पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर लें। बट वही है, फिर आपको कोचिंग्स के पास जाना पड़ेगा और कोचिंग्स के पास जाने से भी गारंटी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट इट विल जस्ट गिव अस द फॉल्स सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमने अब ज्वाइन कर ली कोचिंग, अब हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बेसिक रीजन है जो मुझे लगता है कोचिंग की तरफ भागने का, क्योंकि हमने अपने आप को एक ऐसे पर्सन की तरह अपने आप को ग्रो नहीं होने दिया, डेवलप नहीं होने दिया, जो खुद अच्छी किताबें खुद पढ़ सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो पूछा था यूजीसी नेट, आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं बिना कोचिंग के, आप क्या आंसर कर रहे हो? ये सही आंसर है। ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमियां हैं उस वजह से आज हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और कोचिंग इंडस्ट्री आप देख सकते हो जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है आज के टाइम पे कोचिंग्स हैं, और वो भी कंसंट्रेटेड है। तो यू कैन सी कि कोचिंग्स की उतनी ज्यादा नीड होती नहीं है। नीड होती है आपको अपने स्किल्स पे काम करने की, अपनी एबिलिटीज पे काम करने की। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। आज से ये आई एम श्योर आप 20-25 साल के एज ग्रुप में होंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो एज होती है ना 20 से 30 के बीच में, ये बहुत ईगर होते हैं काम करने के लिए और नई चीजों को सीखने के लिए। बहुत इनके अंदर एक जो होता है ना पोटेंशियल भी होता है, प्लस वो एक एंथुजियाज्म भी होता है काम करने के लिए। तो इफ यू रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नॉलेज आप गेन करने वाले हैं, जो भी नॉलेज गेन करने वाले हैं वो आपके काम आने वाली है। एक ऐसे मत सोचिएगा कि जस्ट मैं ग्रैब कर लूँ इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेशन मैं जाके एक पीस ऑफ पेपर पे लिखाऊं, उसको मैं प्रोड्यूस कर दूं कहीं पे जा करके और मेरा काम बन गया। नहीं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो भी वो नॉलेज आपके लिए आगे जा करके काम आने वाली है। प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो भी आगे जा करके वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आने वाली है। आप चाहते हैं कि आगे जा करके आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, राइट? प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता रिसर्च के कौन से मेथड्स आपको चाहिए, आपको नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से नए इनोवेशन आए हुए हैं, राइट? तो ये जो कमी होती है ना वो आप कैसे दूर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको एक बिगिनियर की तरह सोच के चलना पड़ेगा और उसके लिए आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें। फंडामेंटल से हमारा मतलब है कि आप सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस आपका मेंशन है उस सिलेबस के बारे में आप जाने जितना हो सकता है, 50-60%, 70%, जितना आप उसके बारे में जान सकते हैं, जितना आप उन कॉन्सेप्ट्स के, उनके फैक्ट्स को आप जान सकते हैं उतना ही बेहतर है। ये मत करिएगा कि जस्ट एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में वापिस से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एनपीए जो है सेकंड जो मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी थीम क्या थी, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके जो वो जो लीडर थे वो कौन थे, किनके चेयरमैनशिप के अंदर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए क्रिटिकल थ्योरी क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच क्या है, तो यहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उसके लिए क्या होने चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, है ना? तो बुक से डरिएगा मत, नोट्स की तरफ मत भागिएगा एकदम से कि नोट्स अपना वो कर लें और बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हो, बट वो एक जस्ट शुरुआत के तौर पे। नोट्स अगर आप आपके पास हैं, आप रिलाय करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, बट नोट्स को जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखो। उनको अपने आप में फाइनल मत मानो कि दीज आर फाइनल, आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, दीज आर फाइनल नोट्स, आई कैन रीड इट, गो एंड क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। नो, वो अगर आप क्लियर भी कर भी लोगे तो फिर वो जा करके आपको कभी ना कभी वो चीज़ प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो वट यू नीड टू डू, यू नीड टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स फर्स्ट। हाउ टू बिल्ड, ऑब्वियसली बुक्स हैं मार्केट के अंदर, कुछ कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बताइए, अगली बार हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं।
सेकेंड चीज ये कि फंडामेंटल्स आपके जब क्लियर हो जाए उस टाइम भी मत सोचिएगा कि आपको कौन से कंपटीशन में बैठना है, प्रिपेयर कर रही है जिसे नेट के लिए, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल पे जाके मत सोचिएगा। फर्स्ट स्टेज आपकी क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल्स को आप क्लियर करें। देन सेकेंड स्टेज, जब आपने काम कर लिया अपने स्किल्स पे, आपने अपने सब्जेक्ट पे काम कर लिया, अब आपको समझना है कि कॉम्पिटिशन किसके रिगार्डिंग है। सेकेंड लेवल पे आप जाकर के देख सकते हैं कि हाँ अब मुझे जिसे नेट का पैटर्न देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, मुझे यूपीएससी का पैटर्न देखना है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए सारे पेपर्स निकाल के अपने रख लिए और अब मैं रिवाइज कर रही हूँ। रिवाइज करने के साथ साथ जो है आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि इनमें से कितने क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व कर पा रही हूँ और किन किन जो क्वेश्चन पे जाकर के मैं अटक रही हूँ। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज है आपने कवर कर लिया, अब थर्ड स्टेज की बारी आती है। थर्ड स्टेज में अब आपको कुछ अच्छी बुक्स, अब आपको पता चल गया थर्ड स्टेज तक आते आते कि आपने पढ़ लिया 70%, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बट बाकी जो 30% की कमी आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, उसके लिए आपको कौन से बुक्स की रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। वो जो 30-40% आपका सिलेबस बचेगा, आपका मटेरियल बचेगा, उसके लिए फिर आपको अच्छी बुक्स रेफर करनी पड़ेगी, राइट। तो आपका जो गैप आ रहा है स्टडी में वो गैप काफी फिल हो जाएगा। ये मुझे लगता है एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी जो आप यूट्यूब वीडियोस पे देखते हो कि 30-day strategy, 50-day strategy, 75-day strategy सिलेबस बना के दे दिया, वो तो बस एक एफर्ट कम करने वाली बात होगी। एफर्ट कम करने से बात नहीं बनेगी, एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। बात तब बनेगी जब आप अपने एफर्ट करते हो, आप राइट रिसोर्सेज की तरफ जाते हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हो, तब जा करके कुछ मजा आएगा कि हाँ कुछ अच्छा सब्जेक्ट जो है वो हमने पढ़ा है। आपको जानना है पर्टिकुलरली यूजीसी नेट की कैसे प्रिपरेशन करें या यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन करें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा जो ये ओपिनियन था ये इसी को लेकर के था कि आपको कोचिंग्स की तरफ बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट पे आपको लगता है कि ठीक है लिया जा सकता है, कोचिंग्स ली जा सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खुद से स्टडी नहीं की जा सकती, देन यू कैन गो। बट इसको अल्टीमेट मत मान लीजिएगा कि मैंने अगर कोचिंग्स नहीं ली तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। नहीं, यूजीसी नेट की मैंने भी कहीं कोचिंग नहीं ली थी, मैंने भी खुद से प्रिपेयर किया है, राइट। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गई थी। रीजन बिंग, मेरा सब्जेक्ट काफी अच्छा था और मैंने एग्जाम देने से पहले जो है वो अच्छी खासी प्रिपरेशन भी की थी, मैंने टाइम दिया था प्रिपरेशन को। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई डोंट नो आपने इस कॉन्वर्सेशन को कैसे लिया है, ये एक स्पीच नहीं है, ना ही ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये जस्ट एक डिस्कशन है। मान लीजिएगा एक एस्पिरेंट की तरफ से दूसरे एस्पिरेंट के लिए एक जेन्युइन एडवाइस है कि आप है ना दूसरों के ओपिनियन के पीछे बहुत मत भागिएगा। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ओपिनियन की कमी नहीं है। यू नीड टू बी जेन्युइन, यू नीड टू बी ओरिजिनल, यू नीड टू रेफर गुड सोर्स, यू नीड टू रेफर गुड बुक्स। गुड बुक्स ही आपको लाइफ में आगे लेकर के जाती हैं। अच्छी, कहते हैं ना, अच्छी संगति ही सब कुछ निर्धारित करती है, मुझे लगता है काफी कुछ निर्धारित करती है अच्छी संगति। तो संगति किताबों की बनाइएगा, अच्छी बुक पढ़िए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक पढ़ रहे हैं और एक या दो बुक आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर रहे हैं, है ना। मैं तो ढूंढती रहती हूँ फ्लिपकार्ट पे या वैसे भी कहीं जाती हूँ तो कोई नई किताब मिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आई गेट टू नो क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है हम बहुत अच्छे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं, इस चैनल को ऐसे ग्रो कर सकते हैं जहां पर हम डिस्कस कर पा रहे हैं। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड ना मान करके हम इसको एक इवॉल्विंग, एक ग्रोइंग सब्जेक्ट की तरह हम इसको डेवलप कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे अपने आइडियाज रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। Only if you have genuine interest in public administration. आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको public administration बस एक exam clear करने के लिए चाहिए, तो उनके लिए नहीं, बट जो genuine interest रखते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारा career है public administration, हमें आगे बढ़ना है, हमें research करनी है, हमें अच्छी किताबें पढ़नी है public administration की, वो हमसे जरूर जुड़ें। ठीक है जी, तो अब जरूर मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, आपके रिकमेंडेशंस का। एंड प्लीज टेल मी, आपको भी पता है इस तरीके की वीडियोस जो है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट रिसेंटली मेरे सामने से बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई, बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस देखे, उनमें यही था कि कुछ ऐसी कोचिंग्स हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, अपने हिसाब से उनका बिजनेस पर्पज है, वो काम कर रही हैं, बट एक स्टूडेंट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो चीजें नहीं है, वो कंटेंट बहुत बेनिफिशियल
नहीं है। आपने भी देखा होगा कि हम हमारे चैनल पे बेशक कम कंटेंट लेकर के आते हो, बट हम आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं। हमें पता है आपके टाइम की वैल्यू क्या है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं, राइट? क्योंकि हम भी आप में से ही एक हैं, हम भी आप में से एक ही हैं। बस ये है कि हमारा जेन्युइन कंसर्न अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने फील्ड को लेकर के, और इसी उसी के साथ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो मैं वेट करूंगी आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली मेरे साथ जुड़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ग्रोइंग फील्ड की तरह डेवलप करते हैं, काम करते हैं उस चीज के ऊपर, राइट? चलिए, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए रिकमेंड करिएगा। जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड